एवरीवन, आज हम गैसीय स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में हम किसके बारे में बात कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें किस चीज को ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था? वहां पर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। और उसमें क्या था कि आपके पास जितनी भी गैसेस हैं उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। उन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड हमने देखी थी कि सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलग अलग स्पीड कैरी करते हैं, और कुछ एक मॉलिक्यूल्स ही ऐसे हैं जिनकी सिमिलर स्पीड्स होती हैं। तो यहाँ पर क्या था कि मॉलिक्यूल्स की रैंडम स्पीड होने की वजह से, रैंडम मोशन होने की वजह से किसी की स्पीड ज्यादा किसी की कम है, तो उसमें यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि हम इसकी एवरेज स्पीड के बारे में बात करें या फिर किसी स्पीड के बारे में मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो हमें किस तरह से स्टडी करना है। तो वही उस चीज को हमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी हम उसको देख रहे थे, तो उसके लिए मैक्सवेल ने हमारे सामने एक सॉल्यूशन दिया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन करके। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने एक पोर्शन लिया और उसके ऊपर अपनी स्टडी की थी, और वहां से उन्होंने हमें लास्ट क्या दिया था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो लास्ट में हमने ये सारी चीजें यहाँ तक डिस्कस किया था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे हमारा रिजल्ट आ गया था। और अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा रिपीट नहीं कर सकते हम यहाँ पर। तो आपको बस जस्ट मैंने रिमाइंड कराना था कि हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात की थी और किसकी हेल्प से किया था, वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से किया था। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि हमारी गैस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज्यादा किसी की बहुत कम, किसी की हमारी मतलब एक एवरेज स्पीड के आसपास की स्पीड थी, किसी की एवरेज स्पीड से ज्यादा थी, किसी की एवरेज स्पीड से कम थी। तो कहने का मतलब ऑल इन ऑल ये है कि सभी मॉलिक्यूल्स की ज्यादातर हमारे स्पीड डिफरेंट देखी जा रही थी। तो वो हमारे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हम अगर ऐसा है कि किसी मॉलिक्यूल की सिमिलर स्पीड है ही नहीं, तो यहाँ से हम किस तरह से अपनी स्पीड को स्टडी करें। तो इसके लिए हमारे मैक्सवेल ने हेल्प की और उसने एक तरह की स्पीड हमारे सामने ला के दे दी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसने किसको कहा था कि उसने एक पोर्शन सिलेक्ट कर लिया था, एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया था, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक अगर उसने पोर्शन लिया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन उसने लिया, तो इसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और उसमें से उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था कि कुछ मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है उनमें से कुछ एक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो अपनी एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखते हैं, जिसकी स्पीड मतलब इन सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड को कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा स्पीड वालों को उन्होंने अलग से दिखा दिया था, और जो कि हमारे सामने कुछ इस टाइप से ग्राफ आया था, पूरा टच नहीं करना है ये, इस टाइप से ग्राफ आया था जो यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स किस स्पीड को अटेन कर रही थी, यहाँ स्पीड ड्रॉ कर रही थी, यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी ड्रॉ की थी। तो यहाँ से जो ये हमारे मॉलिक्यूल्स आए थे कि कुछ मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर स्पीड पे हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आई थी। अब आज हमें क्या बात करना है, आज का टॉपिक आपका क्या रहेगा? आज का टॉपिक भी आपका स्पीड से ही रिलेटेड है, स्पीड का हो या फिर वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी। तो आज हमें जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड्स के साथ मूव कर रहे हैं, तो इन स्पीड्स को या इन वेलोसिटीज को जो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं, उन वेलोसिटीज को हमने तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तीन पार्ट्स में कैसे, कि जो भी ये वेलोसिटी जिस भी वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहे हैं, जितने भी टाइप यहाँ पर वेलोसिटीज हैं, जिस भी मतलब सभी की अपनी अलग अलग वेलोसिटी है, कुछ एक की सिमिलर है कुछ की अलग है, इस तरह से वेलोसिटीज हैं वो तो हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। बट यहाँ पर क्या चीज हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कि जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर मूव कर रहे हैं उन मूविंग पार्टिकल्स को हमने तीन टाइप की वेलोसिटीज में डिस्क्राइब करना है। तीन टाइप की वेलोसिटीज में डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने तीन नाम दिए हैं उसको। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी।
तो जितने पार्टिकल्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं सभी अपने अलग अलग स्पीड को कैरी करके चल रहे हैं, किसी की सिमिलर, मतलब ये नहीं है कि हर एक पार्टिकल की अलग अलग स्पीड है, बट मोस्टली यहाँ पर क्या है कि अगर मैं किन्हीं दो पार्टिकल की बात करूं तो इसकी अपनी अलग स्पीड है, इसकी अलग स्पीड है, पर प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों की सेम भी हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या ऑब्जर्व किया गया कि वैरायटी ऑफ स्पीड्स यहाँ पर देखी गई, कि कुछ मोस्टली पार्टिकल्स की अलग अलग स्पीड ही है, और वो होने का, ऐसा होने का रीजन क्या था, आपका कोलिजन, कोलिजन की वजह से प्लस रैंडम मोशन की वजह से, वो कोलिजन करने के बाद स्पीड को कोई इंक्रीज कर लेता है, कोई डिक्रीज कर लेता है, तो ऐसा सिमिलर इफेक्ट ज्यादातर में देखा ही नहीं गया था। तो इसी वजह से हमने वेलोसिटीज को भी टाइप में डिस्क्राइब कर दिया कि तीन टाइप की वेलोसिटीज यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, और वो तीन टाइप की वेलोसिटीज में आपकी फर्स्ट है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सेकेंड वन इज एवरेज वेलोसिटी एंड द थर्ड वन इज रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। अब क्या रहा कि जितने हमारे गैसेस, पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सभी मूव तो कर रहे हैं, ये तो हमने बात की थी कि ये सभी मूविंग स्टेट में ही होंगे, बट मूविंग स्टेट में होने के साथ साथ सभी की वेलोसिटीज अलग अलग है, और अलग अलग होने पर हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अब हम इनकी स्पीड को या इसकी वेलोसिटी को कैसे स्टडी करेंगे। तो हमने उनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि वेलोसिटी को स्टडी करने के लिए हमारे लिए ईजी रहेगा, तो इसके लिए हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो कि आपने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के नाम से पढ़ा था, और हमने उसको कुछ हद तक डिफाइन कर लिया है क्या होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी आप जो इन जनरल एवरेज किसी भी टर्म का कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट वेलोसिटीज हैं पार्टिकल्स की, तो उनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, उसी की बात करेंगे। और रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ आपको पहले, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दूंगी इनके बारे में, और उसके बाद हमें क्या करना है, आज का टॉपिक बेसिकली क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो टॉपिक आपका क्या है, यहां से समझना स्टार्ट करना, यहां तक अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो यहां तक आपको ये पता होना चाहिए जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। तीन टाइप में कौन कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी, एंड थर्ड वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो तीन टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। इन तीनों टाइप की वेलोसिटीज का मैं अभी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूलाज भी इनके बताऊंगी, कि हमारे मैथमेटिकल रिलेशन अगर बात करेंगे तो इनके क्या क्या रिलेशंस होते हैं, अभी डिस्क्राइब करूंगी इनको अपने टॉपिक पे जाने से पहले। तो वहां पर ये तीनों टाइप की वेलोसिटीज को आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपका लास्ट टॉपिक था, वहां पर आपके सामने एक मैथमेटिकल रिलेशन आई थी, जो कि हालांकि हमने डिराइव नहीं किया था उसको, मैंने डायरेक्ट आपको रिलेशन लिख के बताया था, बट वो जो मैथमेटिकल रिलेशन आपके सामने था उसकी हेल्प से आपको तीनों टर्म्स को डिराइव करना है। तो आपका मेन टॉपिक क्या रहेगा आज का, आपका मॉलिकुलर वेलोसिटीज, जो ये तीन टाइप की वेलोसिटीज हैं, मॉलिकुलर वेलोसिटीज फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आपको मॉलिकुलर वेलोसिटीज को एक्सप्लेन करना है। अब हमें ये टॉपिक पे जाने से पहले हमें इन तीनों टर्म्स का भी तो पता होना चाहिए ना, कि जो हमें मॉलिकुलर वेलोसिटीज को डिराइव करना है वो है क्या, किसको डिराइव करने वाले हैं। तो इसीलिए हम इन तीनों को थोड़ा डिफाइन करेंगे, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। तो वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहली बात, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से। और रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो अगर अब हम बात करें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, सपोज कीजिए आपके सामने गैसेस पार्टिकल हैं, हमने क्या कहा था, किसी भी गैस के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ हम मिलियंस में भी बात कर सकते हैं अगर हमारा अमाउंट ज्यादा है गैस का। तो अगर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और हमने कहा कि डिफरेंट वेलोसिटीज अटेन करते हैं, अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जिस वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है,
जिस वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सपोज कीजिए जैसे हमने एग्जांपल दिया था एक्स है किसी की वेलोसिटी, वाई है किसी की वेलोसिटी, जेड है, हालांकि वेरियंस तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर कहें एक्स कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक्स है, कुछ की वाई है, कुछ की जेड है। अब कुछ की एक्स वाई जेड है, हम इनको नंबर दे देते हैं। कुछ की वेलोसिटी सपोज ये 5 वेलोसिटी, ये 6, ये 10 कर लो, ये 18 कर लो, कुछ भी नंबर हम ले रहे हैं जस्ट। तो यहाँ कहा कि कुछ एक की वेलोसिटी 5 मीटर पर मीटर बोल रही हूँ, कुछ एक की हमारी 5 में है, कुछ की 10 में है, कुछ की 18 में, मीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर पर सेकंड में बहुत बड़ी बढ़िया स्पीड हो जाती है वो, नहीं हमारे स्मॉल यूनिट्स में ही चलेगा। तो यहाँ पर कुछ की वैल्यूज 5, 10, 15 या 18 जो भी है हमारी, इस तरह से है। ये वैल्यूज रखने वाले क्या कोई एक एक पार्टिकल तो होगा नहीं कि एक पार्टिकल की 5 है, एक की 10 है, एक की 18 है, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो 5 कैरी करते होंगे, बहुत सारे होंगे 10 कैरी करते होंगे, बहुत सारे होंगे 18, बट जो सबसे ज्यादा कैरी करने वाले नंबर, नंबर की बात करें, जिनकी नंबर जब सबसे ज्यादा होगा वो होती है वेलोसिटी आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, जितने जिनकी जिसकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वेलोसिटीज जो है वो रिपीटिशन में है, या प्रोबेबिलिटी जिस वेलोसिटी की होने की सबसे ज्यादा चांसेस है, वो होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और उसको अल्फा से डिफाइन किया जाता है। और साथ ही साथ इसका अगर हम फॉर्मूला बात करें तो मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर कह रही हूँ, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है आपका 2RT/m, 2RT/m मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या रहेगा। तो आपको ये चीज ड्राइव करनी है, आपका जो मेन टॉपिक है ना वो यही है कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से आपको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर डिराइव करने के लिए बोलता है तो आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वाले रिलेशन का यूज करके आपको डिराइव करना है कि स्पीड की वैल्यू क्या आ जाए, अंडर रूट 2RT/m। तो ये चीज आपको डिराइव करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी किसको बोला जाता है? अब यहां तो हमने मोस्ट प्रोबेबल में तो बात की थी कि भाई कुछ एक पार्टिकल्स की जो है वेलोसिटी सेम होने की प्रोबेबिलिटी, जिसकी जो जिस वैल्यू की ज्यादा है वो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। अब अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज में हर पार्टिकल की वेलोसिटी को कंसीडर किया जाता है। सपोज कीजिए यहां पर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो n में सभी के पास v1 किसी की वेलोसिटी, v2 किसी की, v3 ऐसे अप टू सो ऑन vn तक वेलोसिटीज होंगी ना, कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3, v4, 5, 6, 7 और vn तक होंगी अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो यहां पर अगर एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v, तो यहां से आई थिंक एवरेज वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट की जाती है। देख लेना भाई बुक में, अपने जो बुक में मतलब किस तरह से डिनोट किया हुआ है, मेरे हिसाब से शायद ये यू से, ये वी से होती है डिनोट, देख लेना अपनी जो भी है। तो यहां जब हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, आपका हर पार्टिकल की वेलोसिटी, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे हैं या जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, सभी की वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय एन, या फिर यू कहो कि एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, ऑल द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या बोल रही हूं, मैं लिख देती हूं एवरेज वेलोसिटीज को कैसे डिफाइन किया जाता है, अपना देख लेना बुक से, अपना देखना कि यू से रिप्रेजेंट कर रहा है या वी से। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंट वेलोसिटीज, ऑल द डिफरेंट वेलोसिटीज, एवरेज ऑफ ऑल द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर,
कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके हैं उन सभी की वेलोसिटीज का एवरेज, एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप सभी को पता है कि अगर किसी भी चीज का हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो सभी का सम, जिस भी चीज का कैलकुलेट करो सभी की एडिशन करके और जितने भी मेंबर्स वहां पर इन्वॉल्व है उनसे उस नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे गैस के, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो उन सभी एन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज v1 v2 v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये आपका रिप्रेजेंट करता है एवरेज वेलोसिटीज को। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी आ गई ये। बट यहाँ पर आपको पता है अभी मैंने लास्ट टॉपिक में मतलब इसमें भी हमने कहा था कि एक ही पार्टिकल की ऐसा नहीं है कि कोई वैल्यू अगर किसी पार्टिकल ने वेलोसिटी की अटेन कर ली तो सिर्फ उसी पार्टिकल की नहीं होगी, किसी और की भी मिल सकती है सेम। बट ये है कि अगर हम किसी दो को कंपेयर करने चले ना, हमने रैंडमली कोई दो पार्टिकल उठा लिए तो उन दो की सेम होने की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता कि वो हमारी 50-50 हो सकती है, उनकी सेम हो भी सकती है सेम नहीं भी हो सकती। तो यहाँ से अब अगर आपके सामने इस तरह से वैल्यू लिखी गई है एवरेज की, तो एवरेज अगर वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट की जा रही है v1 प्लस v2 प्लस v3 vn तक डिवाइडेड बाय n, पर हमें पता है कि कुछ पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है, जो आपकी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ की वेलोसिटी जो है वो सेम होती है। तो अगर मान लो अगला हम इसी को कैसे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की ही। तो यहां देखिए, सपोज कीजिए n1, ध्यान से सुनना कि n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है v1, n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है v1। देखो टोटल तो रहेंगे n नंबर ही, टोटल तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही है, बट उन n में से सपोज कीजिए n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, n2 की है v2, n2 मॉलिक्यूल्स की है v2। ये इस तरह से मान लो कि हमारे पास मान लिया 20 मॉलिक्यूल हैं टोटल, उसमें से 4 की वेलोसिटी तो v1 है, उन 20 में से 4 की वेलोसिटी तो v1 है, 5 की हमारी v2 है, 10 की हमारी v3 है, इस तरह से मानना है। तो आगे होगा आई होप समझ आपको। तो इस तरह से हमने अज्यूम करना है, तो n1 की अगर v1, n2 की v2 और n3 की v3 है, तो तब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी लिखनी है तब वो कैसे आएगी, तो उस टाइम पे हमारी एवरेज वेलोसिटी लिखी जाएगी n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 अप टू सो ऑन, जहां तक भी आपने अज्यूम करनी है, डिवाइडेड बाय अब क्या आएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आपको पता है ये 4, 5, 10 वगैरह जो भी नंबर ले रहे थे लास्ट में कितना बचा 1 और, तो 1, 10, 5, 4 इस तरह से लिया था, तो हमारे टोटल तो 20 ही हो सकते हैं, 20 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो इनका सम कितना आएगा, n ही आएगा, दैट मीन 20 ही आएगा। आप डिवाइडेड बाय n भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 भी लिख सकते हो। तो आपके एवरेज लिखने के दो तरीके हैं, या तो इस तरह से लिखा जाए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn, मीन्स हर एक की अलग अलग लिख के तब डिवाइड किया जाए, या फिर अगर सिमिलर वालों को हम इकट्ठा करके लिख रहे हैं तब भी लिखा जा सकता है। तो एवरेज लिखने का ये तरीका है। और जैसे आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए रिलेशन लिखा था, क्या लिखा था, अल्फा किसके इक्वल था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT/MK। तो इसी तरह से आपकी एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाती है, इज इक्वल टू 8 RT/πmK, 8 RT/πm। ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, अदरवाइज आपको जस्ट समझ आना जरूरी है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसको बोला जाता है, एवरेज वेलोसिटी किसको बोला जाता है। और आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी क्या होती है, अर्थमेटिक मीन ऑफ, इसे सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है इतना, अर्थमेटिक मीन ऑफ, या फिर आप यू कहो स्क्वायर रूट ऑफ, दोबारा बोल ही देती हूँ, स्केयर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल गैसियस मॉलिक्यूल
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर की मीन्स जिस भी टेम्परेचर पर बात करें उस टेम्परेचर पर जो वेलोसिटी होगी वो आपकी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी होती है। दोबारा सुनो क्या बोला है, स्केयर रूट ऑफ, मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ मैथमेटिकल, स्केयर रूट ऑफ, यहाँ कहा स्केयर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, स्केयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, क्या क्या वेलोसिटी अज्यूम की थी हमने, हमने कहा था v1 v2 v3 हमारी इस तरह से वेलोसिटीज हो सकती है, और अगर इस तरह से वेलोसिटीज हो सकती है तो हम यहाँ पर क्या बात करें, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्केयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज, मतलब मीन लेना है किसका, स्केयर का, तो v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर प्लस v3 का स्केयर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n, n क्यों करें, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन की, तो आपका v किसके इक्वल आ जाएगा, मींस रूट मीन स्केयर वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, v1 का स्केयर प्लस v2 का स्केयर प्लस v3 का स्केयर अप टू सो ऑन vn का स्केयर, अगर हमारे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, डिवाइडेड बाय n, तो ये होती है आपकी क्या, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। इसी तरह से जैसे आपने अभी कहा था लास्ट टॉपिक में, इसमें एवरेज वेलोसिटी में क्या कहा था कि हमारे सेम टाइप की वेलोसिटी रखने वाले डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो उस टाइम पे हम उनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, अदरवाइज और कुछ नहीं है। अगर आप इस मेथड से कर रहे हो कि सारों अलग अलग ऐड करके तब हमारा डिवाइड कर रहे हो एन से, तब भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा, और आप अगर इस तरह से करोगे कि v1 वेलोसिटी रखने वाले और भी मॉलिक्यूल्स हैं तो उनको हम पहले नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दे तब भी हमारा सेम ही रिजल्ट आएगा। तो ये हो गया आपका रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, और अगर इस फॉर्म में आप रिलेशन देखोगे तो आपका क्या रिजल्ट आता है, देखिए इस फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आता है 3RT/m। इस तरह से जैसे आपका एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई थी अल्फा विच इज इक्वल टू 2RT/m, और आपकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आई है 8RT/πm, इसी तरह से यहां से आपका रूट मीन स्केयर वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे तो वो आपका इक्वल होता है 3RT/m, और यही तीनों वैल्यूज ही आपको लर्न रखनी है ताकि हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इनको डिराइव कर सके। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके जब आप रिलेशन लिख रहे होगे तो उस टाइम पे आपको ये तीनों रिजल्ट्स कैलकुलेट करने हैं। पर किसका यूज करके कैलकुलेट करोगे आप, आपको जो अभी तीनों डेफिनेशंस बताई थी ना, इन तीनों के लिए डेफिनेशंस बताई थी, उनका यूज करके, उनका यूज कैसे करना है आपको पता है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो आपकी एक सिंपल वेलोसिटी का नाम है जस्ट, कि जो कि हमारा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम वेरी करती है वेलोसिटी, वही आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, मतलब जिस वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो आपकी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो सभी वेलोसिटीज का एवरेज अगर कैलकुलेट कर दिया जाए, मतलब सारी वेलोसिटीज का सम करके उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके देती है। और अगर आप रूट मीन स्केयर वेलोसिटी की बात करते हो तो रूट मीन स्केयर किसके इक्वल होती है, स्केयर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ स्केयर ऑफ आपकी डिफरेंट वेलोसिटीज, मतलब सभी वेलोसिटीज का स्केयर का अर्थमेटिक मीन का स्केयर रूट जो आपका होता है वो आपका रूट मीन स्केयर वेलोसिटी होती है। तो यहां से आपको यूज तो करने हैं आपके ये वाले कंसेप्ट, इनकी डेफिनेशन वाले कंसेप्ट, और उससे हमें मैथमेटिकल रिलेशन ये फाइंड आउट करनी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं पर आपको पता होना चाहिए कि आपको ये रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं। आपकी बुक्स में भी, आपकी जो हेल्प बुक होंगी ना उनमें भी इसी तरह से ये डिफाइन कर देता है सभी में, मेरे ख्याल सभी में ही कर रखा है, तो उसमें ये आपको पहले ही डिफाइन करके देगा कि ये आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से एवरेज वेलोसिटी, सॉरी ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू ये हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी, और आपकी रूट मीन स्केयर वैल्यू की रूट मीन स्केयर की ये वैल्यू होगी। बट आपके पास ये रिजल्ट आएंगे कहां से, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से, और इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रिजल्ट तो आपका यही आएगा बट मैं थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रही हूं। पीवी किसके इक्वल होता है आपका, आरटी के या एनआरटी के, तो अगर आरटी की वैल्यू मैं पीवी पुट करूंगी तो यहां पर क्या आएगा, 3PV/m, और आपको पता है रो किसके इक्वल होता है, रो इज डेंसिटी, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम की, और यहां पर है वॉल्यूम बाय मास, तो मैं इसको 1/ρ लिख सकती हूँ। तो यहां से आपके पास ये रिलेशन आ गई 3P/ρ, तो आपकी जो है रूट मीन स्केयर वेलोसिटी जो है वो
थ्री पी बाय रू का सॉरी रो का स्क्वायर रूट भी आ सकता है, तो ये आपका रिजल्ट रहेगा। मेनली आपको ये तीन इक्वेशंस या तीन टर्म्स याद रखनी है कि आपके रिजल्ट्स यहाँ से आने चाहिए, ये तीनों टर्म्स करनी है। अब हमें वन बाय वन डिराइव करना है, और डिराइव क्या करना है, सबसे पहले हमें डिराइव करना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, नेक्स्ट हमें क्या करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, और हमें जो बेसिक इनकी डेफिनेशंस है उनका यूज करके और ये रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या कैलकुलेट करनी है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ टू आर टी, कंप्लीट पे है भैया स्क्वायर रूट ऐसे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जस्ट एक डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन को डिफाइन करता है, इसका नाम ही एक डिफाइन कर रहा है अच्छे से कि जो वेलोसिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है वो होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल प्रोबेबल वेलोसिटी। तो यहां से आपको डायरेक्ट यूज करना है किसको, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को। और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने एक मैथमेटिकल रिलेशन लिखी थी जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। क्या थी वो रिलेशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की, यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग कर लो बाय यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें आपको क्या करना है, अभी लिख रही हूँ रिलेशन, उससे पहले सुन लीजिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपकी रिलेशन है ना उसमें आपने क्या करना है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की रिलेशन को इक्वल कर देना है जीरो के। क्यों, ताकि हमारे पास रिजल्ट आए उससे हमें स्पीड की वैल्यू मिले। अब एक बार रिलेशन देखो, क्या थी आपके पास रिलेशन, डी एन बाय डी एन सी बाय एन इज इक्वल टू फोर पाई एम अपोन टू पाई आर टी रेस टू पावर थ्री बाय टू ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी सी स्क्वायर, ये रिलेशन थी ना डी सी, ये रिलेशन लिखी थी हमने, डी एन सी बाय एन इज इक्वल टू फोर पाई इंटू एम अपॉन टू पाई आर टी रेस टू पावर थ्री बाय टू ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी सी स्क्वायर डी सी। और जहां पर सी क्या थी, आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करती थी या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, और साथ के साथ आर क्या है यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एम क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस, जो भी आप मॉलिक्यूल्स ले रहे हो उनकी उस मतलब जिस भी गैस के मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास, और आपका बाकी रह गया पाई, पाई यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, और एन क्या है, एन यहाँ पर डिफाइन कर रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन है, यहां से आपको कैलकुलेट करना है क्या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। तो यहां से वेलोसिटी या स्पीड जो भी आप डिफाइन करने वाले हो आपको इसके लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेट कर देना है किसके साथ, जीरो के साथ। बट कैसे करोगे वो देखना, पहले यहां इसी इक्वेशन को डायरेक्ट इक्वेट नहीं करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट, सबसे पहले हमें क्या करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब स्पीड के रिस्पेक्ट में पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ना लिख के इसी में रीअरेंज कर रही हूँ, आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना है, इसका एग्जाम में आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना है। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू सी तो आपका क्या आ जाएगा, डी बाय डी सी, मीन्स इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहां पर भी क्या आ जाएगा डी बाय डी सी, डी बाय डी सी, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। इसमें जब आप इक्वेट करोगे जीरो के तो यहां से ये वाला फैक्टर भी जीरो के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी इसका मतलब जीरो के इक्वल, और राइट हैंड साइड भी जीरो के इक्वल। और अगर ये दोनों टर्म्स हमारे जीरो के इक्वल हैं तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये भी जीरो, तो हमें सी कहां पर दिख रहा है, इस वाले फैक्टर में, इस वाले टर्म में दिख रहा है ना, एम सी स्क्वायर
और यहाँ पर भी सी स्क्वायर है, तो इसी वजह से हम इस फैक्टर को तो जीरो ज्यूम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ तो है ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर आप यू कहो, आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आप इसको जीरो के इक्वेट कर रहे हो, आप सिंपली भी बोल सकते हो क्या कि जब हम सी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही है ना, तो नंबर तो क्या है, कॉन्स्टेंट होता है, तो अगर नंबर कॉन्स्टेंट होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको जीरो ही रिजल्ट देगा, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं, कॉन्स्टेंट जितने भी टर्म्स हैं हम इनको बाहर निकाल लेंगे, पर इसमें देखो कॉन्स्टेंट क्या है और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल यहाँ पर आपका है जस्ट सी, मतलब स्पीड जो है वही वेरिएबल है और सारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, क्यों कॉन्स्टेंट है, पाई तो आप सभी को पता है कॉन्स्टेंट होता है, आर आपको पता है गैस कॉन्स्टेंट है, टी जो है हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से ही बात करते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आपको मतलब आपको याद होगा गैसीय स्टेट जब हमने स्टार्ट की थी कि हम किसी पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर की बात करते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी जब आपने किया था तो वहां पर एक बार वेरिएंस की बात की थी कि भाई अगर हम टेम्परेचर चेंज करते तो क्या होगा, अदरवाइज हम हर जगह पर टेम्परेचर फिक्स करके चलते आ रहे हैं, तो टेम्परेचर भी हमारा यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। एम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिस भी गैस की आप बात कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स ही होता है, तो एम भी कॉन्स्टेंट, आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से हम कॉन्स्टेंट टर्म को पहले डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकालते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो आप सभी को आता ही है कैसे किया जाता है, तो फोर पाई एम बाय 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3 बाय 2, ये तो हो गया हमारा सारा कॉन्स्टेंट। अब जो वेरिएबल है उनको हम अलग से लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में, डी बाई डी सी, डी बाई डी सी के बाद अब क्या क्या वेरिएबल है, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय 2 आर टी, ये एक फैक्टर है आपका, ये एक फैक्टर हो गया जो कि वेरिएबल है, उसके बाद इन टू में सी स्क्वायर, ये रहा ना। फिर आप देखो ये किसके इक्वल है, ये सारा फैक्टर किसके इक्वल है, जीरो के, तो जीरो के इक्वल अगर है ये तो सारा है कॉन्स्टेंट। अब देखो कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट में कह रही हूं, अगर कोई भी फैक्टर जीरो के इक्वल होता है और सपोज कीजिए एक्स इंटू वाई जीरो के इक्वल है, तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, या तो एक्स जीरो नहीं तो वाई जीरो, या तो एक्स जीरो या वाई जीरो, x जीरो नहीं है तो y जीरो होगा, y जीरो नहीं है तो x जीरो होगा, तो यहां से देखो ये तो फैक्टर क्या है सारा कॉन्स्टेंट, तो कोई कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, तो ये वाला फैक्टर तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, ध्यान से सुन लो, ये वाला फैक्टर तो मेरा जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कोई कॉन्स्टेंट है, तो अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो कौन जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो हमारे पास ये वाले फैक्टर को तो हम रिमूव कर देंगे, तो कॉन्स्टेंट है इससे हमें कुछ मिलेगा भी नहीं, हमें तो किस से हेल्प चाहिए, हमें तो सी से रिजल्ट मिलेगा, सी क्या है स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल साथ के साथ वो क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जिस तक हमें पहुंचना है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तक। अब यहां से आपके पास ये रिजल्ट, ये वाला टर्म जीरो नहीं होगा तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये कहता है कि एक्स जीरो या तो या y जीरो, हमने कहा x जीरो नहीं है तो y जीरो होगा, तो y जीरो होगा तो x को तो हटाओ ना, y तो पता चल गया हमें जीरो है, तो यहां से अगर हमें y जीरो पता चल गया तो इस टर्म की वैल्यू क्या है जीरो के इक्वल होगी, तो इससे इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके हमारे पास c के रिजल्ट आएगा जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देगा किसकी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करना, तो क्या है आपको पता है डिफ्रेंसिएशन में अगर दो वेरिएबल्स होते हैं और प्रोडक्ट में है तो उसके लिए क्या रूल लगता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सभी छोटी क्लासेस से करते आए हो तो वही रूल हमें लगा के इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय 2 आर टी एज इट इज, हमने फर्स्ट फंक्शन को रखा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है ये, सेकंड फंक्शन क्या है ये, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या होता है वो 2c, तो यहां से आया c और 2 आ गया आपका आगे, तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आगे रूल होता है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज मतलब सी स्क्वायर एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, सी स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ई रेज टू पावर समथिंग आपको पता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हो,
पहले तो वो फंक्शन एज इट इज ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर, जिसको नहीं भी आता वो अपना देख लेना डिफरेंशिएशन कैसे होता है, हम बहुत स्लो करेंगे तो हमारा काफी लेंथी टॉपिक है ये। तो ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय आर टी एज इट इज, और फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टू एम सी बाय टू आर टी विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा आपका। जिसको नहीं पता वो देख लेना कि एक्सपोनेंशियल टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो करते हैं हम ये फंक्शन पहले तो एज इट इज, फिर उसके बाद जो पावर में वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। माइनस एम बाय टू आर टी तो कॉन्स्टेंट ही था, तो माइनस टू एम बाय आर टी तो हमारा एज इट इज रहा। यहाँ पर जब सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो टू सी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब आगे देखो, इसमें कुछ टर्म को हमें कॉमन दिखाई दे रही हैं। क्या है कॉमन, देखो टू ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी, क्या दोनों में है, टू सी भी है। टू सी ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी, यहां तो फिर हमारे पास क्या बचा, वन प्लस यहां से क्या बचा सी माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी तो बाहर जा चुका, और यहाँ बच रहा है सी। अगर हमने एक सी कॉमन ले लिया है तो ये सी क्यूब था, तो यहाँ पर आपके पास बचा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या बच रहा है, और एम बाय आर टी, आर टी, बट हमने टू को बाहर कॉमन लिया है तो इस टू से तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, बट अगर हमें टू यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हमें क्या लेके जाना पड़ेगा, डिवीजन में, तो ये आपका हो गया इक्वल टू जीरो के इक्वल। ध्यान से करना, हर एक मैथमेटिकल स्टेप बहुत इजी से स्टेप्स हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो कहीं पर भी मार नहीं खाओगे। तो ये आपका हो गया टू सी ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी प्लस इन टू वन प्लस सी स्क्वायर एम बाय टू आर टी, ये रहा आपका रिजल्ट। और यहाँ आप ये चीज और ध्यान रखना, नेगेटिव साइन था तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा, इसके पास नेगेटिव साइन था ना, तो ये नेगेटिव साइन साथ में आएगा, तो ये वाला फैक्टर जीरो या फिर ये वाला फैक्टर जीरो। अगर ये वाला फैक्टर, अब हमें ये देखना है कि किस किस फैक्टर को हम जीरो लिख सकते हैं। वहां तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था कॉन्स्टेंट कह के कि भाई अगर हमारा एक्स इंटू वाई की फॉर्म में था ना, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा एक्स इंटू वाई में हमने वाई को जीरो कर दिया था क्योंकि एक्स कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर अब हमें देखना है कि क्या क्या नंबर्स हैं, एक तो सी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, और इसमें भी सी है तो ये भी वेरिएबल, तो इसमें अब हमें देखना है क्या ये भी जीरो के इक्वल हो सकता है, क्या ये जीरो के इक्वल हो सकता है, या फिर ये जीरो के इक्वल हो सकता है क्या। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है या तो सी जीरो, ये चीज ध्यान से समझना है, या तो सी जीरो या ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी जीरो इज इक्वल टू जीरो, या फिर वन माइनस सी स्क्वायर एम बाय टू आर टी जीरो, ये पॉसिबिलिटीज है ना, या तो सी जीरो फर्स्ट, तो सेकंड क्या है, या फिर ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर वन माइनस सी स्क्वायर एम बाय टू आर टी जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स इंटू वाई इंटू जेड की फॉर्म में है और इज इक्वल टू है जीरो, तो अगर ये जीरो के इक्वल कब होगा, या तो एक्स जीरो हो जाए, या वाई जीरो हो जाए, या जेड जीरो हो जाए, तो तभी हमारा रिजल्ट जो है वो जीरो के इक्वल आएगा। तो अब हमें देखना है क्या ये जीरो हो सकता है, या फिर ये जीरो हो सकता है क्या, या फिर ये जीरो हो सकता है। तो अब हमें देखना है सी इज इक्वल टू जीरो मीन्स स्पीड इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स स्पीड जीरो, किसकी स्पीड जीरो, मॉलिक्यूल की स्पीड जीरो, किसकी बात कर रहे हो अभी, सारी गैस के मॉलिक्यूल्स की तो स्टडी चल रही है, तो गैस के मॉलिक्यूल की स्टडी चल रही है, तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड जीरो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, गैसियस मॉलिक्यूल कभी भी रुकते नहीं है, वो अब हमेशा मोशन में होते हैं, उनकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है पर जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब सी तो जीरो हो नहीं सकता, ध्यान से सुन लेना, तो सी तो हमारा जीरो हो नहीं सकता। उसके बाद सेकंड बात करते हैं हम ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी जीरो, तो ये कब जीरो होगा, अगर मेरा सी जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर जाए, सी मेरा इंफिनिटी को टेंड कर जाए, तब हमारा हो सकता है ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी जीरो के इक्वल हो जाए, तो तब मेरा ई रेज ई इज इक्वल टू माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी जीरो के इक्वल हो सकता है, पर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो सी है, सी मतलब
स्पीड ऑफ वेलोसिटी या सॉरी स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल या वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल वो इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती। इनफाइनाइट होना मतलब बाहर निकल जाना, मतलब हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं गैसेस मॉलिक्यूल इतने दूर चले गए कि वो हमारे रेंज से ही बाहर चले गए हैं गैसेस के, तो वो भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो सी जीरो भी नहीं हो सकता, सी इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सी भी जीरो नहीं हो सकता, ये वाला फैक्टर भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मेरा एक्स भी जीरो नहीं हो सकता, वाई भी जीरो नहीं हो सकता, पर मेरा रिजल्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा z जीरो के इक्वल है। तो z अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर हमने कहा ना तो मेरा c जीरो ना माइनस e माइनस सॉरी e रेस टू पावर माइनस mc स्क्वायर बाय 2rt जीरो है, तो ना ये जीरो तो कौन जीरो होगा, ये वाला फैक्टर जीरो होगा। तो अगर ये वाला फैक्टर जीरो होगा तो यहाँ से ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमने इस इक्वेशन के बाद यही कंडीशंस लगानी है कि c भी जीरो नहीं हो सकता और ये वाला फैक्टर भी जीरो नहीं हो सकता। अगर ये दोनों जीरो नहीं हो सकते तो हमारे किसको जीरो होना पड़ेगा, इस फैक्टर को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो ये देखिए, अब अगर ये फैक्टर मेरा जीरो के इक्वल हो जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो सारा सोल्व हो चुका है ये। वन माइनस सी स्क्वायर बाय एम और सी स्क्वायर एम बाय टू आर टी अगर जीरो के इक्वल है तो यहां से रीअरेंज करो तो माइनस सी स्क्वायर एम बाय टू आर टी किसके इक्वल हो गया, माइनस वन के। यहां से इसको रीअरेंज करके सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो टू आर टी इधर जाके न्यूमिरेटर में टू आर टी बाय एम। और सी स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट लगा दें, तो अब क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। तो सी इक्वल आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ टू आर टी बाय एम। यही तो रिजल्ट चाहिए था हमें, यही रिजल्ट चाहिए था ना। तो सी आपका किसके इक्वल आ गया, टू आर टी स्क्वायर रूट ऑफ टू आर टी बाय एम, जो कि आपका क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मैंने आपको यही कहा था कि आपको लास्ट में रिजल्ट क्या निकालना है, यही रिजल्ट आपको चाहिए। तो आपका ये रिजल्ट आ गया, तो आपकी फर्स्ट जो है डेरिवेशन हो गई है किसकी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिराइव कर ली है, जिसका रिजल्ट आपके सामने ये रहेगा। तो अब हम सेकेंड की बात करेंगे। सेकेंड आपका कौन सा था, सेकेंड है आपकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो यहां देखिए, मैंने आपको बोला था कि भाई हमें डेफिनेशन से ही डिस्क्राइब करना है, तो अगर डेफिनेशन से ही इसको डिस्क्राइब करना है हमें, तो डेफिनेशन क्या बोलती है एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन ने कहा था कि भाई समेशन कर दो या एवरेज कर दो सारे डिफरेंट वेलोसिटीज का, जितने भी डिफरेंट हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का समेशन कर दो या एवरेज कर दो। तो यहां से समेशन ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, तो उसके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे ही होता है ना एवरेज, कि हमारा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी की मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ऐसे किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमने कैसे डिफाइन किया था, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय n, अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो एवरेज हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे। बट यहां पर हम इस तरह से नहीं लिख सकते क्योंकि ये हमारे लिए मैथमेटिकली सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, हमें पता है कि हमारी स्पीड्स जो है जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में ही हो सकते हैं। अभी आपने लास्ट टॉपिक में जो अभी कर रहे थे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वहां पर आपने एक कंडीशन लगाई थी कि भाई हमारा ना तो सी जीरो हो सकता ना ई रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाय टू आर टी जीरो हो सकता, और वहां पर हमने रीजन यही दिया था कि या तो सी जीरो होगा या सी इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी स्पीड जो है वो इनफाइनाइट तक भी नहीं जा सकती और सी जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में ही है। और आपको पता है जब भी आपका समेशन होता है और आपको लिमिट्स पता हो कि समेशन कहां से कहां तक है, तो आपका समेशन किस में चेंज हो सकता है, इंटीग्रेशन में चेंज हो सकता है। आपके मैथ के सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जब भी आपका समेशन में कोई रिजल्ट है, समेशन में मतलब आप कोई टर्म्स का बहुत सारी टर्म्स का समेशन कर रहे हो और मतलब ऐड कर रहे हो उनको, पर उनका आपको लिमिट पता है कि कहां से कहां तक आपको टर्म्स को ऐड करनी है, तो समेशन जो है वो आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। और इंटीग्रेशन में चेंज होके हमें इसको इस तरह से लिखना है, जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट आपका लिमिट रहेगी
पर किसकी लिमिट रहेगी, किसकी आपका ऊपर वेलोसिटी, वेलोसिटी रखनी है वेलोसिटी, और आप इसको सी से ही रिप्रेजेंट करो, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और साथ के साथ आपका डिवीजन में क्या रहेगा एन, पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर आप डी एन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट जब इसको करोगे तो आपके पास क्या कैलकुलेट होके आएगी वहां पर, तो आपके पास वैल्यू आएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी की, जो कि आप या तो सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इससे रिप्रेजेंट करते हो बी से, तो आपके पास इस इक्वेशन से आ सकती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी अगर यहां से आ रही है तो इसमें देखो एन क्या है, कॉन्स्टेंट है, और एन अगर कॉन्स्टेंट है तो मेरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, और इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो ये इक्वेशन आपकी क्या लिखी जा सकती है, इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, जीरो टू इनफाइनाइट वन बाय एन डी सी सी डी एन सी, या फिर आप इसको लिख सकते हो डीएनसी फिक की फॉर्म में लिख दो, या फिर आपने यहां से इस तरह से लिखोगे ना तो आपके लिए याद करना इजी रहेगा। क्या चीज याद करना, कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन आपको कहां से, अब इसमें आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है कैसे, पहले एक बार दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है, हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा कि भाई एवरेज वेलोसिटी को मेरा किसके इक्वल होता है, कि भाई हमारा एवरेज ऑफ ऑल दी स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो यहां से हमने देखा कि एवरेज तो हम इस तरह से लिखते आए हैं, तो यहाँ अगर हमारे इस तरह से अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में अगर कोई रिजल्ट है और मेरे को लिमिट्स पता है, तो लिमिट्स मेरी क्या रही थी, जीरो टू इनफाइनाइट, और मैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई इनफाइनाइट क्यों होती है, क्योंकि हमारा या तो जीरो से बड़ी वैल्यूज ही होगी या इन्फिनिटी से छोटी वैल्यूज ही होंगी हमारी स्पीड की, और जीरो और इनफाइनाइट क्यों नहीं होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जब आपको लिमिट्स पता हो और अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में, अर्थमेटिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होती है, तो हमारा अर्थमेटिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की हमने लिमिट्स लगाई, और किसके लिए लगा रहे हैं हम, सी बाय एन सी हमने यहाँ पर बी के लिए ही लगाया है, बी और सी सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो सी क्या है, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो ये भी हमारी क्या थी, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स या वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स कह लो, तो सी बाय एन, एन यही वाला है, तो डीएन के रिस्पेक्ट में हम डीएनसी के रिस्पेक्ट में कह लो, डीएनसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सी डीएनसी बाय एन, ये आपके पास इक्वेशन है। और अब आप याद कीजिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन को, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की रिलेशन क्या होती थी, डीएनसी बाय डीएनसी बाय एन, यही तो थी, dnc by n is equal to 4 pi m upon 2 pi rt raised to power 3 by 2, फिर उसके बाद इक्वेशन क्या थी, e raised to power minus mc square by 2 rt, और साथ में क्या था, c square dc, यही था ना। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है इसकी, यहां पर आपको पुट करनी है। जब ये वैल्यू पुट करोगे, हमें हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, मैं डायरेक्ट यहीं पर वैल्यू पुट करके दिखा रही हूं आपको, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, v जो कि क्या है आपकी एवरेज वेलोसिटी, v आपकी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमें इंटीग्रेशन लगाना है, मैं यहां इस वाली टर्म में पुट कर रही हूं, जीरो टू इनफाइनाइट आपका इंटीग्रेशन लग जाएगा, और c साथ में है ना, c dnc by n, ये वैल्यू तो सिर्फ किसकी है, dnc by n की है, तो साथ में क्या है, एक फैक्टर और c, c मल्टीप्लीकेशन में आप यहां लगा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने dnc by n दैट मीन्स मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू पुट कर दी है इस इक्वेशन के अंदर। और जब हम ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट देखिए किस तरह से आएंगे। अब आपको जस्ट रीअरेंजमेंट करनी है इक्वेशन की, थोड़ी मैथमेटिकल रिलेशन लगानी है, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आप वही चीज करो, सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से। कॉन्स्टेंट कौन कौन है, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, m अपॉन 2 पाई आर टी कॉन्स्टेंट है 3 बाई 2 पावर में, और बाकी सारे हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो जब हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे कॉन्स्टेंट को, तो आपके पास क्या आएगा, 4 पाई m अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्केयर बाय टू आर टी, और पावर, अब ये सी स्केयर था, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, सी क्यूब डी सी,
ये आ गया ना, क्या आ गया, e raise to power minus mc square by 2rt into c cube dc, ये तो आपका है कॉन्स्टेंट सारा का सारा is equal to v। तो अब इसमें आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में अगर आप इसको जस्ट सॉल्व करने जाओगे ना, आप यूं लगा लो 12th क्लास में जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता था ना, वो पूरा सॉल्व करना है आपको इसमें, जो पूरा क्वेश्चन आता था वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मैथ्स नहीं केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपका यूज करेंगे, पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके आना है, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको इसके। आपको यहाँ से इस इक्वेशन का, इस टाइप की इक्वेशन का कोई रिजल्ट पता होगा, जो कि आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, और ये आपका इक्वल आ जाता है। सिर्फ ये वाले फैक्टर की बात कर रही हूँ, इंटीग्रेशन वाले की। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलता है, मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रही हूं, क्या रिजल्ट मिलेगा, आर टी बाय एम की पावर 2 × 1/2। क्या है इस टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशन जब भी आपके पास होगी तो उसका रिजल्ट आएगा 2 × 1/2। इसका मतलब अगर हम बात करें कॉमन फॉर्म में, 0 to ∞ अगर आपके पास लिमिट है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय सी, एक्स बाय सी की फॉर्म में भी आप ले सकते हो, इंटू एक्स क्यूब डीएक्स, इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन हो, मैथमेटिकल इक्वेशन हो, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। तो वो आज चीज आपको यूज करनी है, आपको पूरा ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये कहोगे ये चीजें को बच्चे क्रैम करनी पड़ेगी आपको, पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी से पहले देख लो, हमने जस्ट दूसरी हम डेरिवेशन कर रहे हैं जो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की, अभी एक और हमारी बाकी है, तभी हमारा इतना टाइम लग गया। तो एग्जाम में अगर आपको तीनों डिराइव करने के लिए बोल रहा है तो बहुत लेंथी होगा, तो इसी वजह से आप जस्ट इसकी डायरेक्ट वैल्यू लर्न करो कि ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये आएगा आपके पास रिजल्ट। और जब इस रिजल्ट को हम पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो ऊपर लिख रही हूं, क्या इक्वेशन आएगी, देखिए वी इज इक्वल टू 4π एम अपॉन 2π rt की पावर 3/2 इंटू, अब इसकी जगह तो हमें क्या लिखना है, सीधा ये लिखना है, तो 2 rt बाय एम रेज टू पावर 2 × 1/2, ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको आपको जस्ट रीअरेंज करना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए v इज इक्वल टू जो कट हो रहा है उसको कट करो, यहां से इसकी पावर 3/2 है, 3/2 का मतलब कितना होता है, 1.5, एक से एक और उसके साथ आधा और, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर कितनी है, 2, तो यहाँ अगर पावर 2 है तो 1.5 से अगर ये कट करेंगे, एम से एम की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर एम की पावर कितनी बचेगी, हाफ, यहाँ साइड में लिख रही हूँ एम की पावर तो कितनी बच रही, हाफ, सेम चीज 2 rt की पावर 3/2 है और यहाँ पर 2 है तो 1.5 यहाँ से कट होगी तो यहाँ पर भी कितनी बचेगी, हाफ, तो इसका मतलब 2 rt की पावर कितनी बची, 1/2, 2 से 4, ये 4 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर बचा कितना, 2, तो यहाँ पर अगर 2 बच रहा है तो आपके पास रिजल्ट बचा 2 × यहाँ पर पाई 3/2 पावर में है, यहाँ पर 1 पावर में है, तो यहाँ 3/2 दैट मीन 1.5, यहाँ पर 1 पावर में है तो यहाँ पर हाफ पावर बचेगी, तो इसके बाद यहाँ बचा 1/√π, और इसमें से क्या बच रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 rt/m। अब जब इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट देख लो क्या आ रहा है, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इसका मतलब ये 4 वैल्यू अटेन करके जाएगा, तो यहां पर बच गया 8 rt/π × m, यही तो था हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, यही तो हमें कैलकुलेट करनी थी, और ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है, v = 8 rt/π m। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो गई है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से, और आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी कर ली है। तो अब हमें थर्ड की बात करनी है, ज्यादा लेंथी इसको खींचेंगे नहीं, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो अब थर्ड की हम बात करते हैं, थर्ड आपकी कौन सी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, थर्ड कौन सी रहेगी, स्क्वायर वेलोसिटी,
मींस के एयर वेलोसिटी और किससे रिप्रेजेंट किया था इसको, यू से। तो अब वही बाय डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी आपकी किसके इक्वल होती है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी आपकी इक्वल थी अर्थमेटिक मीन के स्केयर रूट ऑफ, ये चीज याद रखना, स्केयर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। तो यहां पर अब यहां उसने बात की है कि स्केयर रूट ऑफ, ध्यान से सुन लो, स्केयर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंट स्केयर ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द गैसेस। तो स्केयर रूट किया था हमने, इसी तरह से डिफाइन किया था ना, और वी वन प्लस वी टू का, वी वन का स्केयर प्लस वी टू का स्केयर प्लस वी थ्री का स्केयर, वी वन का स्केयर प्लस वी टू का स्केयर प्लस वी थ्री का स्केयर डिवाइडेड बाय एन, यही कुछ किया था, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा था यू को। ये तो थी हमारी जनरल इक्वेशन। और अब हमें यहां पर भी पता है कि लिमिट्स मेरी क्या है वेलोसिटी की, जीरो टू इनफाइनाइट ही है, कि लिमिट्स मेरी जीरो से बड़ी और इनफिनिटी से छोटी वैल्यू ही हो सकती है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो यहां पर हमारे अर्थमेटिक मीन को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम फिर से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रहेंगी, जीरो टू इनफाइनाइट, और जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट में वी वन। अब ये देखना ध्यान से, यहां पर स्केयर रूट ऑफ दैट टर्म है, स्केयर रूट है ना, तो अगर मेरे को स्केयर रूट रिमूव करना है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन में तो स्केयर रूट लूंगी तब तो मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर मेरा यहां पर स्केयर रूट है, मेरा स्केयर रूट रिमूव करना है, तो मैं क्या करूं, यहां पर स्केयर कर दूं यू स्केयर, और जैसे ही मैं यहां पर स्केयर करूंगी तो यहां से मेरा स्केयर रूट हट जाएगा, स्केयर रूट मेरा रिमूव हो जाएगा, तो ये भी आपकी किसकी वैल्यू आएगी, यू स्केयर की। तो यू स्केयर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, अब किसका स्केयर है ये, वी वन का स्केयर, दैट मीन सी स्केयर की फॉर्म में लिख ले हम रिजल्ट को, सी स्केयर बाय एन, सी स्केयर बाय एन, और साथ में आपका इंटीग्रेशन के लिए क्या लगेगा, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट कह रही हूँ, तो इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर कोई डिफरेंशिएटिंग टर्म लगेगी, और वो क्या लगेगी आपकी, डी एन सी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपको फिर से क्या करना है, जैसे आपने लास्ट में किया था एवरेज वेलोसिटी में, डी एन सी बाय एन की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू हमें इस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट में पुट करनी है, और साथ में हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करके अपना कंटिन्यू करके प्रोसीड करके लास्ट में रिजल्ट तक पहुंचना है, सेम वही प्रोसीजर होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कहेंगे वैसे तो, पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इसमें थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। अब यहाँ देखिए डी एन सी बाय एन, इसकी वैल्यू हमें सभी को पता है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यू ही पुट कर रही हूँ, तो यू स्केयर मेरा किसके इक्वल आएगा, देखिए यू स्केयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और सॉरी जीरो टू इनफाइनाइट सी स्केयर, और सी स्केयर के बाद हमें वैल्यू पुट करनी है डी एन सी बाय एन की, और जो कि हमें सभी को पता है, अब तक तो लर्न हो जानी चाहिए, तीन चार बार कर चुके हैं सेम वैल्यू को, तो डी एन सी बाय एन जो कि क्या है हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो वो हमारी क्या होती है, 4 पाई। आप सभी को एग्जाम में जो है वो हर एक स्टेप को अलग अलग लिख के दिखाना है, यहाँ पर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट कर रही हूँ, अदरवाइज आप पहले लिख के बताओगे कि अब हम इसमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करेंगे, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की रिलेशन होती है हमारी ये, और वहां से हम डी एन सी बाय एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीजें आपको हर एक करके दिखानी है, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट करके आ जाओगे, मार्क्स नहीं मिलते हैं इसके पूरे। तो डी एन सी बाय एन, तो यहां से आपकी वैल्यू क्या थी, 4 पाई m अपॉन 2 पाई r t रेज टू पावर 3 बाय 2, और यहां से e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r t इनटू c स्क्वायर, और आपका साथ में क्या आएगा dc। तो ये टर्म का आपको इंटीग्रेशन करना है। अगर इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है तो वही सेम चीज हमें पहले सबसे पहले करनी है, कि जो भी कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको हमें बाहर निकाल लेना है, ये भी वेरिएबल और सी स्केयर यहाँ पर भी है, सी स्केयर यहाँ पर भी है, हम क्या इकट्ठा करके लिख दें c रेज टू पावर 4। तो यहां से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, तो आपके पास ये टर्म बची, इसमें से कॉन्स्टेंट निकाल लो, कॉन्स्टेंट कौन है, ये 4 पाई और m/2πrt^3/2, ये तो हमारा रहेगा कॉन्स्टेंट, तो इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, 4πm/2πrt^3/2। अब इंटीग्रेशन के अंडर कौन रहेगा, 0 to infinite e^-mc^2/2rt इंटू c^4dc,
ये आपके पास फैक्टर बचा है, अब इसमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है सॉल्व करने के लिए हमें, तो वो क्या करेंगे देखिए, ये वाली टर्म में हमें रीअरेंजमेंट करनी है, क्या करेंगे देखो, ये जो फैक्टर है ना ई रेज टू पावर वाला, इसको मैं ए स्केयर मान लेती हूँ, क्या माना मैंने, एमसी स्केयर, जस्ट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं एमसी स्केयर बाय टू आर टी है ना, इसको सपोज कीजिए, लेट सपोज ये है हमारा ए स्केयर के इक्वल, और अगर ये ए स्केयर के इक्वल है तो क्या मैं यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगी तो सी स्केयर मेरा इक्वल आ जाएगा ए स्केयर टू आर टी बाय एम, क्या ये सी के इक्वल आएगा, और अगर यहां से मैं सी रेज टू पावर फोर की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो सी रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर फोर, क्योंकि ये स्केयर कर रहे हैं, इसका भी स्केयर कर रहे हैं तो इसका भी स्केयर होगा टू आर टी, इसकी पावर वन है पहले से तो हम इसकी पावर कितना कर देंगे, स्केयर कर देंगे, तो आपका सी रेज टू पावर फोर की वैल्यू आ गई, ये तो हमने एमसी स्केयर बाय टू आर टी जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल की पावर में था उसको जस्ट हमने अज्यूम किया कि ए स्केयर, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, कोई पूछेगा मैम ये क्यों कर रहे हैं, तो जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एमसी स्केयर बाय टू आर टी इज इक्वल टू ए स्केयर, सी स्केयर आपका इक्वल आ जाएगा ए स्केयर अपॉन टू आर टी बाय एम, तो यहाँ से सी रेज टू पावर फोर, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, सी रेज टू पावर फोर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर फोर इंटू टू आर टी बाय एम रेज टू पावर टू। अब यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ सी स्केयर की, सॉरी सी रेज टू पावर फोर की, और इसकी वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ ए स्केयर, बट आपके पास अभी भी डीसी बचा हुआ है, जो डिफरेंशिएटिंग कोफिशिएंट है वो अभी भी क्या बचा हुआ है, सी, इसको भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, यहां से सी की वैल्यू कैलकुलेट करो, जस्ट सी की, ये सी स्केयर है, ये सी रेज टू पावर फोर है, आप सिंपल सी की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, इसमें C हमारा इक्वल आ जाएगा A, पावर्स को हाफ कर रहे हो ना, टू पावर थी वन कर दी, यहां पर भी टू पावर थी वन कर दी, यहां पर वन पावर है तो कितना कर देंगे, हाफ पावर कर देंगे, तो टू आर टी बाय एम की पावर कितनी हो जाएगी, वन बाय टू, तो ये आपका आ गया C। अब उसके बाद आपको क्या करना है, DC कैलकुलेट करना है, DC कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगर मैं DC कैलकुलेट करूंगी तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, तो 2 डिपेंड करता C पर, ना R, ना T, ना M, तो ये 2RT by M तो जो है वो मेरा एज अ कांस्टेंट बिहेव कर जाएगा, और यहां से BA का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, DA, तो आपके पास DC आ गया। देखो दो रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ इस डीसी वैल्यू को, शायद दिखे ना, तो डीसी आपका किसके इक्वल आ चुका है, सी का डिफरेंशिएशन करने पर टू आर टी बाय एम की पावर वन बाय टू, जो कि आपका कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव कर गया है, और यहां पर आपका आ गया डी ए, ये है डीसी के इक्वल, और यहां से सी रेज टू पावर फोर किसके इक्वल है, यहां इसकी जस्ट पावर टू कर देनी है, ए रेज टू पावर फोर इंटू टू आर टी बाय एम का पावर टू, तो अब जब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, एक सेकेंड, ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखिए रिजल्ट आपके सामने आएगा, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, और ये यू, तो ये यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर पाई एम अपॉन टू पाई आर टी रेज टू पावर थ्री बाय टू, ये तो कॉन्स्टेंट था एज इट इज रहेगा, अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये याद रखना, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस, इसको हमने क्या कहा था, ए स्केयर, तो यहाँ सॉरी हाँ ए स्केयर, तो माइनस ए स्केयर, और सी फोर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वो क्या है, ए रेज टू पावर फोर इंटू टू आर टी बाय एम की पावर टू, बाय एम की पावर टू, और जब हम ये डीसी की वैल्यू पुट करेंगे, डीसी किसके इक्वल है, टू आर टी बाय एम रेज टू पावर वन बाय टू इंटू डी ए। अब देखो इतना सिंप्लीफाई हो चुकी है, ये आप देखना,
क्या करेंगे, यहाँ से और भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स आ चुकी हैं, उनको भी क्या ले करते हैं, बाहर ले आते हैं। तो जब हम ये टर्म्स को बाहर लेके आएंगे, मैं ऊपर लिख रही हूँ, क्या आएगा आपके पास, 4 पाई ऑलरेडी था, 4 पाई विच इज इक्वल टू यू 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2। अब यहां से देख लो, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2RT की पावर 2/m और सॉरी 2RT बाय m की पावर 2, 2RT बाय m की पावर 1/2। जब ये दोनों पावर्स को जब बेस सेम होते हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो 2 + 1/2 क्या हो जाएगा, 4 + 1 दैट मींस 5/2 पावर हो जाएगी इसकी, क्या पावर हो जाएगी, 5/2। तो 2RT बाय m की पावर 5/2 यहां से बाहर जा रही है, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख रही हूं 2RT बाय m की पावर 5/2। अब बचा क्या, इंटीग्रेशन के अंदर वाला फैक्टर बच गया 0 to infinite, और ये साथ में फैक्टर है e raise to power minus a square इंटू ए रेज टू पावर 4 dA, ये वाली टर्म आपके पास बची हुई है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए, पहले तो इनको सॉल्व कर लो, ये बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सॉल्व करेंगे, ये पावर है 3/2, ये पावर है 5/2। 3/2 का मतलब तो क्या होता है, 1.5, ऐसे सॉल्व करना ना थोड़ा इजी हो जाता है ये, और इसका मतलब क्या है, 2.5 हाफ। यहां से देखिए 2RT की पावर 2.5 है, यहां पर पावर कितनी है, 1.5, तो यहां से जब 2.5 से 1.5 पावर कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या बचेगी, 1 पावर, तो 4 पाई, सेम चीज m के साथ भी होगी भाई, तो यहां आपके पास बच रही है 1/π की पावर 3/2। अभी हमने इसको सॉल्व नहीं करा, या तो इसको भी कर ही लेते हैं साथ के साथ ही सॉल्व, पाई की पावर 1, यहां पाई की पावर 1.5, तो कैंसिल करेंगे तो 1.5 बचेगी ना, तो 4/√π इंटू, ये तो सारा कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा, 2RT बाय m की पावर 1/2। इसके बाद अब बचता है आपके पास जस्ट ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और इंटीग्रेशन में बच रहा है 0 to infinite e raise to power minus a square और into a raise to power 4 dA, ये बचा। इसमें अब आपको क्या करना है, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, वही बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, a raise to power 4 और यहां पर एक्सपोनेंशियल की पावर भी है, तो ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, मतलब यहाँ सॉरी a की वेरिएबल है, तो यहाँ भी ये भी आपका वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो इनको जब प्रोडक्ट रूल लगाओगे बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा, तो इसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है, और वो रिजल्ट क्या आपका रहेगा, 3/π की पावर 1/2, या √π बोल लो, पाई की पावर 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3/8π की पावर 1/2 रिजल्ट आएगा, तो इस फैक्टर की जगह हम वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, 3/8π रेज टू पावर 1/2, क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल था, और इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और गिवन क्या है, मतलब होती है ये वैल्यू 3/8π रेज टू पावर 1/2 गिवन नहीं होती, लर्न करके जानी पड़ेगी आपको, 3/8π रेज टू पावर 1/2। तो यहां जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, u इज इक्वल टू 4/√π इंटू 2RT बाय m की पावर 1/2 इंटू 3/8π रेज, मतलब √π एक तरह से लिखते, तो √π से √π तो हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ये तो आप इसको यहां से रबी कर देते हैं, आपको एग्जाम पूरा लिखना है, पर 4 × 2 = 8, तो आपके पास क्या आ रहा है, 2 × 2 = 2, तो यहाँ आपके पास बचा √3RT/m, तो यू की वैल्यू क्या आ गई, यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √3RT/m, यही तो रिजल्ट चाहिए था, तो आपका रिजल्ट आ गया, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का भी,
u इज इक्वल टू 3 RT/m और यही चीज हमने स्टार्टिंग में ये इक्वेशन लिखी थी। तो आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए तीनों टाइप की वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर लिया है। और वो तीनों टाइप की वेलोसिटीज कौन कौन सी थी? फर्स्ट आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, बहुत सिंपल थी वो तो। उसके बाद नेक्स्ट थी आपकी एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट इसके बाद हमने लास्ट कौन सी की है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तीनों वेलोसिटीज को हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से डिराइव कर लिया है। और एग्जाम में कई बार तीनों को साथ में भी पूछ लेता है, अदरवाइज वैसे ये ज्यादातर दो ही वेलोसिटीज को पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, और इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है। जस्ट एक बार आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत इजीली आ जाएगी। तो आज का टॉपिक आपका यही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।